हेलो गाइस, तो आज मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ एक और दिवाली क्रैकर्स स्टैंड 1000 रुपीज। तो चलिए गाइस, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ, ये है अशोक ब्रांड की 10 cm की ग्रीन स्पार्कलर। बात करें इसकी प्राइस की, तो इस पर प्राइस लिखा है 65 रुपये, लेकिन मैंने इसको 20 रुपये में परचेज किया है एक बॉक्स को, जिसमें आपको 10 पीस देखने को मिल जाते हैं। इस प्रकार के कुछ 10 cm की स्पार्कलर्स होती हैं इसमें, 10 cm की। चलिए, इसके मैंने 2 पीस ले लिए हैं गाइस, जो कि है अशोक की तरफ से आने वाली है ग्रीन कलर के स्पार्कलर। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले आइटम की ओर। तो अगला आइटम है हमारा ये दीपक फायरवर्क्स इंडिया की ओर से आने वाली है 30 cm की स्पार्कलर, जिसके अंदर 5 पीस निकलते हैं। बात करें इसके प्राइस की, तो इस पर प्राइस तो लिखे नहीं है गाइस, लेकिन मैंने इसको भी 20 रुपीज़ में परचेज किया है, जो कि 30 cm की ये नॉर्मल स्पार्कलर है, जो हमारी नॉर्मल स्पार्कलर्स होती हैं वो वाली स्पार्कलर्स हैं। इसमें 5 पीस आपको इसमें देखने को मिल जाती हैं। ये दोनों बॉक्स मैंने 40 रुपीज़ में परचेज किए हैं गाइस। अगला आइटम है हमारा गाइस ये कॉक ब्रांड की 45 cm की ग्राउंड चक्कर, जो कि एक ग्रीन स्पार्कलर है गाइस, ग्रीन क्रैकर है गाइस, मेरा मतलब ग्रीन क्रैकर है। बात करें इसके प्राइस की, तो इस पर प्राइस लिखे हैं 275 रुपये, लेकिन मैंने इसको 120 रुपये में परचेज किया है गाइस। और इसमें कुछ इस प्रकार की 10 पीस देखने को मिल जाते हैं आपको ग्राउंड चक्कर की, जो कि काफ़ी अच्छी क्वालिटी की हैं, और इसका रनिंग टाइम भी काफ़ी अच्छा होता है गाइस। इसमें आपको ये ओरिजिनल असल का स्टिकर देखने को मिल जाता है कॉक ब्रांड की ओर से। बहुत ही अच्छी क्वालिटी होती है इन ग्राउंड चक्कर्स की, और काफ़ी अच्छा रनिंग टाइम होता है इनका। अगला आइटम है हमारा गाइस सुखी फायरवर्क्स की ओर से, सुखी फायरवर्क्स सिपकासी की ओर से ये अशोका ग्रीन फ्लावर पॉट्स, जिसमें कि आपको ये अशोका साइज के 10 फ्लावर पॉट्स देखने को मिल जाते हैं, जिनकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। बात करें इसके प्राइसिंग की, तो इस पर प्राइसिंग लिखी है 740 रुपये, लेकिन मैंने इसको 80 रुपये में परचेज किया है गाइस। सुखी फायरवर्क्स पेंसिल ट्रेडमार्क। बात करें अपने अगले आइटम की, तो अगला आइटम है हमारा गाइस ये लाइफ ऑफ इंडिया टॉर्च, जो कि आती है नीलम इंडस्ट्रियल्स की ओर से। बात करें इसकी प्राइसिंग की, तो इस पर 385 रुपये लिखे हैं गाइस, और मैंने इसे 150 रुपये में परचेज किया है, जिसमें कि आपको कुछ इस प्रकार की इतनी बड़ी टॉर्च देखने को मिल जाती है गाइस। काफ़ी बड़ी टॉर्च है, इसका साइज आप देख सकते हैं कितना बड़ा है गाइस। इसमें आपको ये 10 पीसेस देखने को मिल जाते हैं टॉर्च के। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्रैकर्स की ओर गाइस। तो ये है हमारा ये किटकैट, जो कि एक ग्रीन फायरवर्क्स है, जो कि आता है राजेश्वरन फायरवर्क्स सिपकासी की ओर से, जेवरा ट्रेडमार्क। बात करें इसकी प्राइस की गाइस, तो इस पर 150 रुपये प्राइस लिखे हैं, पर मैंने इसे 30 रुपये में परचेज किया है, जिसमें आपको 10 पीस चटरपटर के देखने को मिल जाते हैं, जो कि बहुत ही अच्छी क्वालिटी की लग रही हैं चटरपटर। ये देखिए गाइस, इसमें आपको ये 10 पीसेस देखने को मिल जाते हैं। एक बॉक्स की प्राइस पड़ी है मुझे 30 रुपीज़, इसके मैंने 2 पीस ले लिए हैं गाइस। अगला आइटम है हमारा गाइस ये लेपर्ड किंग की ओर से आने वाला ये बीड़ी बम, जिसे बहुत से लोग माचिस बम भी कहते हैं, बहुत से लोग इसे बीड़ी बम भी कहते हैं, बहुत से लोग इसको पानी वाला बम भी कहते हैं। बात करें इस, ये है मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है गाइस। बात करें इसके प्राइस की, तो इस पर प्राइस तो लिखे नहीं है, पर मुझे एक डिब्बी का प्राइस 20 रुपये पड़ा है गाइस, 20 रुपीज़। इसमें आपको कुछ इस प्रकार के क्रैकर्स देखने को मिल जाते हैं, जो कि बहुत ही अच्छे बचते हैं। इसमें आपको ये 50 से 60 क्रैकर्स देखने को मिल जाएंगे गाइस। इसमें आपको यही ऐसे कुछ इस प्रकार के, जो कि बहुत ही अच्छे बचते हैं, और ये एक डिब्बी की प्राइस मुझे 20 रुपये पड़ी है गाइस, इसीलिए मैंने ये 2 डिब्बी ली हैं। अगला आइटम है गाइस हमारे ये कॉक ब्रांड की ओर से आने वाला कॉक 10 बाला जाइंट चोरसा। बात करें इसकी प्राइस की, तो इस पर प्राइस लिखा है गाइस 14 रुपीज़, लेकिन मुझे ये 10 रुपये में पड़ा है 10 रुपीज़ में।
इसमें आपको 12 पीसेस देखने को मिल जाते हैं कुछ इस प्रकार के बड़े और मोटे बिजली क्रैकर्स जिनकी आवाज़ बहुत ही ज़्यादा तगड़ी होती है गाइस। मैं चाहता तो 28 वाली भी लड़ी ले सकता था पर मैंने इसको ही कंसिडर किया है गाइस। अगर आप चाहें तो इसकी जगह पर 28 वाली लड़ी ले सकते हैं, मैंने ये 10 लड़ी ली है 100 रुपये की। अगला आइटम है गाइस हमारे पास ये चिदंबरम की ओर से आने वाला रॉकेट बॉम्ब 2.0 जिसका ट्रेडमार्क है क्रोकोडाइल ब्रांड। तो चलिए गाइस इसको ओपन करके देखते हैं इसमें कितने पीस हैं। ये देखिए गाइस इसमें कुछ इस प्रकार के 10 पीस निकलते हैं। ये देखिए काफ़ी अच्छी क्वालिटी लग रही है इनकी। ये मिनी साइज़ के रॉकेट्स हैं गाइस जो कि आसमान में जाके ब्लास्ट करते हैं। और बात करें इसकी प्राइसिंग की तो इस पर लिखी है गाइस 108 रुपये, लेकिन मुझे एक बॉक्स पड़ा है 60 रुपीज़ का, तो मैंने ये दो बॉक्स ले लिए हैं गाइस। अगर आप चाहें तो ये दो बॉक्स ना लेके एक बड़ा रॉकेट भी ले सकते हैं 120 रुपये का, लेकिन मैंने ये 120 रुपये वाले दो रॉकेट ले लिए हैं। अगला आइटम है गाइस हमारे पास ये टू रोज की तरफ से आने वाला गाइस बुलेट बॉम्ब डिलक्स जो कि एक ग्रीन क्रैकर है। और बात करें इसके साइज़ की तो ये काफ़ी बड़ा होता है, कॉक ब्रांड के जो बड़े वाले बुलेट बम आते हैं उस साइज़ का होता ही है गाइस। इसमें आपको 10 पीस देखने को मिल जाते हैं और ये जब चलता है तो पहले इसमें से अनार निकलता है उसके बाद ये फटता है। बहुत ही अच्छा बुलेट बम है गाइस ये। इसकी प्राइस लिखी है 115 रुपये, लेकिन मैंने इसे 40 रुपये में परचेज़ किया था। ये दो बॉक्स मुझे 60 रुपये के पड़े हैं, वो 80 रुपये के पड़े हैं गाइस। काफ़ी अच्छा बुलेट बॉम है ये। अगला आइटम है गाइस हमारे पास ये सेल्वा ज्योति फायरवर्क्स शिपकासी की ओर से आने वाला स्पेशल धमाका ग्रीन सुतली बॉम्ब जिसे बहुत से लोग नाजी बॉम्ब भी कहते हैं। ये देखिए गाइस जिसमें आपको कुछ इस प्रकार के 10 पीस देखने को मिल जाते हैं जिसके फ्यूज की क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। ये देखिए इसमें आपको स्काई शॉट वाला फ्यूज़ दे रखा है गाइस और बहुत ही हैवी है ये बॉक्स, काफ़ी तेज़ इसकी आवाज़ होती है गाइस। इसकी टेस्टिंग वीडियो मैंने अपने चैनल पर डाल रखी है और अगर आपको इन सारे क्रैकर्स की टेस्टिंग वीडियो देखना है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इन सारे ही क्रैकर्स की टेस्टिंग वीडियो आने वाली है बहुत जल्द। अगला क्रैकर से हमारा गाइस ये बच्चों के पॉपअप ओरिजिनल जिसकी डिब्बी हमें 10 रुपए की पड़ती है। इसमें आपको 50 पीस देखने को मिल जाते हैं। ये भी मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है गाइस। इसकी डिब्बी पर प्राइस तो नहीं लिखे हैं पर ये डिब्बी आपको 10 रुपए की देखने को मिल जाएगी। इसमें कुछ इस प्रकार के छोटे छोटे क्रैकर्स निकलते हैं जो कि बच्चों को बेहद ही पसंद आते हैं। इनको जब जमीन पर फेंकते हैं तो ये काफ़ी तेज़ आवाज़ करते हैं, बजते हैं ये गाइस। ये एक पीस मुझे एक डिब्बी मुझे 10 रुपए की पड़ी थी, ये गाइस मैंने 3 डिब्बी ले ली हैं। तो गाइस बस यही था आज का हमारा स्टेस गाइस। अगर आपको ये क्रैकर्स आपको देखने में ये थोड़े कम लग रहे होंगे 1000 के अंदर, लेकिन मैं चाहता तो आपको ज़्यादा भी दिखा सकता था 1000 के अंदर। लेकिन बात वही है गाइस कि अगर मैं आपको लोकल ब्रांड के क्रैकर्स दिखा देता वो देखने में तो ज़्यादा होते गाइस, लेकिन वो आपको अच्छा रनिंग टाइम निकाल कर नहीं दे पाते, वो सही से नहीं चलते। इसीलिए मैंने जितने भी क्रैकर्स लिए हैं ये सारे ही ब्रांडेड क्रैकर्स हैं गाइस। ये कोई बेकार कंपनी नहीं है अशोक, ये सारे अच्छी कंपनी के हैं। ये सुखी फायरवर्क्स, चिदंबरम फायरवर्क्स, ये सारे ही अच्छी कंपनी के हैं गाइस क्रैकर्स। बस एक या दो चीज़ें मैंने ये लोकल ले ली हैं, जैसे कि ये 30 cm की ये जो स्पार्कलर है ये एक थोड़ी लोकल कंपनी है, बाकी मैंने सारे ही ओरिजिनल ब्रांड के लिए हैं। तो गाइस बस यही था आज का हमारा फायरवर्क्स स्टेस 1000 रुपीज़। आपको इनकी सारे ही क्रैकर्स की टेस्टिंग वीडियो देखना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए गाइस। हम बहुत ही जल्द इसकी टेस्टिंग वीडियो लाने वाले हैं।